step-by-step new project formulation in ADP. इस वीडियो में SMD पोर्टल के जरिए न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे फॉर ADP फॉर्मुलेशन। स्क्रीन पर दिखाए गए SMD पोर्टल का URL को ओपन करें। इसमें ADP यानी एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम पर क्लिक करने से एक लॉगिन फॉर्म ओपन हो जाएगा। PND की तरफ से दिए गए यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करें और लॉगिन पर क्लिक करें। ADP फॉर्मुलेशन के लिए न्यू स्कीम या न्यू प्रोजेक्ट को ऐड करने के लिए मेन पेज पर नीचे दिए गए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। कॉन्सेप्ट फॉर्म फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फॉर्म ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइटल लिखें, प्रोजेक्ट स्टार्ट ईयर सेलेक्ट करें, प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें, एंड डेट सेलेक्ट करें। प्रायोरिटी सेलेक्ट करें, सेक्टर सेलेक्ट करें, एडमिन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करें। एग्जीक्यूटिंग एजेंसी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक या एक से ज्यादा एजेंसी भी सिलेक्ट की जा सकती हैं। स्पॉन्सरिंग एजेंसी के ड्रॉप डाउन मेन्यू में एक या एक से ज्यादा एजेंसी भी सिलेक्ट की जा सकती हैं। न्यू प्रोजेक्ट के सेग्रीगेशन के लिए प्रोजेक्ट सब टाइप सेलेक्ट करें, अप्रूवल फॉरम सेलेक्ट करें, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करें, होल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें फॉर होल पंजाब स्कीम्स, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, तहसील सेलेक्ट करें। अगर आपने प्रोजेक्ट कॉस्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज करनी है तो नॉट डिविजिबल सेलेक्ट करें, NA सेलेक्ट करें, PP सेलेक्ट करें, लोकेशन टाइप के ड्रॉप डाउन मेन्यू में से रूरल, अर्बन या बोथ सेलेक्ट करें। फॉरेन फंडेड के लिए चेक बॉक्स में से येस और नो पर सेलेक्ट करें। येस को सेलेक्ट करने से फॉरेन फंडेड की टैब्स ओपन हो जाएंगी। प्रोजेक्ट फाइनेंशियल कॉम्पोनेंट्स में से कैपिटल, रेवेन्यू या बोथ सेलेक्ट करें। लोकल कॉस्ट लिखें। अगर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल कंपोनेंट में कैपिटल सेलेक्ट किया है तो लोकल कैपिटल कॉस्ट ऐड करें। अगर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल कंपोनेंट में रेवेन्यू सेलेक्ट किया है तो लोकल रेवेन्यू कॉस्ट ऐड करें। अगर प्रोजेक्ट फाइनेंशियल में बोथ सेलेक्ट किया है तो लोकल कैपिटल कॉस्ट और लोकल रेवेन्यू कॉस्ट ऐड करें। अगर फेडरल कॉस्ट, बेनिफिशरी कॉस्ट, अदर कॉस्ट ऑप्शनल है, अगर प्रोजेक्ट कॉस्ट का पार्ट है तो एंटर करें। टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट में टोटल कॉस्ट शो हो जाएगी। SNA रिक्वायर्ड आफ्टर कंप्लीशन को येस या नो पर सेलेक्ट करें। प्रोजेक्ट स्टेटस टाइप सेलेक्ट करें, टास्क, टारगेट, माइलस्टोन में न्यू स्कीम के न्यू ईयर के टारगेट्स लिखें। डिस्क्रिप्शन ऐड करें, एस्टिमेटेड स्टार्ट डेट सेलेक्ट करें, एस्टिमेटेड एंड डेट सेलेक्ट करें। न्यू टास्क या माइलस्टोन ऐड करने के लिए प्लस पर क्लिक करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रिमूव करने के लिए क्रॉस पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट प्लान कॉन्फ़िगरेशन में ऐड प्लान पर क्लिक करें। सेलेक्ट किए गए फाइनेंशियल कंपोनेंट के मुताबिक आपके पास कॉन्फ़िगरेशन प्लान ओपन हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल कंपोनेंट में बोथ सेलेक्ट किया है तो दोनों फाइनेंशियल कंपोनेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन प्लान को अलग-अलग ऐड करें। ग्रांट नंबर सेलेक्ट करें, LO नंबर ऐड करें, फंडिंग कॉस्ट टाइप सेलेक्ट करें, फंड सेंटर कंट्रोलिंग नंबर ऐड करें, फंक्शंस कोड ऐड करें, कॉस्ट सेंटर सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट कॉस्ट सेलेक्ट करें, ऐड प्लान पर क्लिक करें। ऑलरेडी सिलेक्टेड या जितने भी ऑब्जेक्ट कोड सेलेक्ट किए हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए व्यू सेलेक्ट पे क्लिक करें। नीचे प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट फॉर्म फॉर न्यू प्रोजेक्ट इनिशिएटिव्स में डिस्क्रिप्टेड फील्ड्स को फिल करें, जैसा कि मेजर कंपोनेंट्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, प्रोपोनेंट इंफॉर्मेशन, जस्टिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट, बेनिफिशियरी टाइप एंड नंबर, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, नियरेस्ट प्लेस विद सिमिलर फैसिलिटीज, एनुअल पोस्ट कंप्लीशन प्रोसेस, रिलेशनल फॉर ADP फंडिंग, अलाइनमेंट विद सेक्टर प्लान, ग्रोथ स्ट्रेटजी, डिस्क्रिप्शन ऐड करें। Describe how to propose solution has been derived के सेक्शन में डिस्क्रिप्शन ऐड करें। अलाइनमेंट विद द पंजाब ग्रोथ स्ट्रेटजी को प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली फिल करें। फोकल पर्सन इंफॉर्मेशन को फिल करें। प्रोजेक्ट लॉजिकल फ्रेमवर्क और MND फ्रेमवर्क ऑप्शनल फील्ड्स हैं, अगर इंफॉर्मेशन है ऐड करें। सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। अब आपके प्रोजेक्ट का कौन सा फॉर्म सेव हो गया है। सेलेक्ट किए गए ऑब्जेक्ट कोड्स के अगेंस्ट फाइनेंशियल प्लान्स ईयर वाइज एंटर करने के लिए ऊपर दिए गए सर्च बार में इसी प्रोजेक्ट के नाम या उसके नाम का कोई कीवर्ड एंटर करके गेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें।
नीचे स्कीम शो हो जाएगी। न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल्स में मॉडिफिकेशन करने के लिए पी कॉन्सेप्ट यानी प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट पर क्लिक करें। न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स के साथ ओपन हो जाएगा। मॉडिफिकेशंस ऐड करें और सेव के बटन पर क्लिक करें। ईयर वाइज फाइनेंशियल प्लान के लिए पी प्लान यानी प्रोजेक्ट प्लान पर क्लिक करें। पीसी प्रोजेक्ट प्लान का पेज ओपन हो जाएगा। प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में अगर न्यू प्रोजेक्ट क्लाइमेट रेलिवेंट है तो यस पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट कैपिटल प्लान की टैब पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट प्लान में दिए गए ईयर वाइज एलोकेशन एंटर करें जो प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट के बराबर होगी। प्रपोज्ड कॉलम न्यू एडीपी में से ओरिजिनल एलोकेशन के तौर पे होगा। उसके बाद नेक्स्ट टू ईयर की प्रोजेक्शंस एंटर होंगी। इसके बाद एसडीजीज परफॉर्मा में से कंसर्न एसडीजीज सेलेक्ट करें। टारगेट सेलेक्ट करें। इंडिकेटर सेलेक्ट करें। इंडिकेटर टैब में प्रपोज्ड एलोकेशन में अमाउंट ऐड करें। अगर आपकी प्रपोज्ड एलोकेशन दो या दो से ज्यादा एसटीजीज के इंडिकेटर में डिवाइड हो रही है तो आप उसके मुताबिक अमाउंट एंटर करें। अगर प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन में आपने प्रोजेक्ट क्लाइमेट रेलिवेंट सेलेक्ट किया है तो क्लाइमेट बजट टैगिंग में थीम सेलेक्ट करें। सेक्टर सेलेक्ट करें। सेक्टर टैब में टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और टोटल एलोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट की परसेंटेज लिखें। सेव करने के लिए सेव पर क्लिक करें। प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट और प्रोजेक्ट प्लान सेव करने के बाद स्कीम को सुपरवाइजरी ऑफिसर या पीएनटी बोर्ड को सेंड करने के लिए एडीपी फॉर्मुलेशन के ड्रॉप डाउन मेन्यू में बल्क एडीपी स्कीम एडी पर क्लिक करें। अपनी स्कीम्स के मुताबिक फिल्टर सेलेक्ट करें, जैसे कि अपना कंसर्न सेक्टर सेलेक्ट करें। गेट प्रोजेक्ट पर क्लिक करें। एडीपी प्रोजेक्ट्स लिस्ट में आपकी स्कीम शो हो जाएगी। लिस्ट में अपनी स्कीम का नाम, कॉस्ट प्रपोज एलोकेशन और प्रोजेक्शंस कंफर्म करें। सिर्फ वो स्कीम्स जो एसटीजीज के साथ अलाइंड होंगी जो पीएनडी बोर्ड को सबमिट हो सकती हैं, और सिर्फ वो ऑनगोइंग स्कीम्स जो जियो मैप हुई होंगी पीएनडी बोर्ड को सबमिट हो सकती हैं। उसकी कलर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर ऐड कर दी गई है। इन केस यू आर फेसिंग एनी इशू इन फॉरवर्डिंग योर स्कीम, सो काइंडली प्लीज चेक दीज डिस्क्रिपेंसीज। अगर आपने नेक्स्ट एडीपी में स्कीम के बजट को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टेटस के कॉलम में इनएक्टिव सेलेक्ट करके सेव के बटन को सेलेक्ट करें, सिलेक्टेड स्कीम इनएक्टिव के टैब में मूव हो जाएगी और सिलेक्टेड स्कीम्स आपके डिपार्टमेंट के टोटल और सेक्टर सीलिंग से एक्सक्लूड हो जाएगी। स्कीम को दोबारा एक्टिव करने के लिए स्टेटस के कॉलम में एक्टिव सेलेक्ट करके सेव के बटन पर क्लिक करें। इनएक्टिव स्कीम्स बजट बुक रिपोर्ट और एडीपी फॉर्मुलेशन डैशबोर्ड पर रिफ्लेक्ट नहीं होंगी। अपने सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को मार्क करने के लिए मार्क टू पर क्लिक करें और कंसर्न डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें। पीएनडी को सबमिट के लिए सबमिट टू पीएनडी पर चेक करें और कंसर्न डेजिग्नेशन सेलेक्ट करें और मार्क टू पर क्लिक करें।